नमस्कार, स्पाइस बॉक्स में मैं आरती निजापकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं केकड़ा मसाला। इसके लिए लगने वाली सामग्री है, हमने पहले से ही कट करके रखे हुए केकड़े हैं। फिर इसके लिए लगने वाली सामग्री देखते हैं, कटा हुआ प्याज, कच्चा नारियल, सूखा नारियल, लहसुन, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये लौंग और दालचीनी की पाउडर है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस, तेल, नमक और पानी। तो अब हम चलते हैं हमारे मसाले के लिए लगने वाली पेस्ट के लिए। पहले तेल गरम करते हैं। तेल गरम होने के बाद कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें हम कच्चा नारियल डालेंगे, ये पिसा हुआ सूखा नारियल है, लहसुन की कलियां, कटा हुआ हरा धनिया और 3 से 4 कड़ी पत्ता लेते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। मैं थोड़ा सा तेल ऐड करती हूँ। ये मसाला आपको प्याज लाल होने तक अच्छे से भूनना है। हमारा मसाला तेल में अच्छी तरह से भूनकर तैयार है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, इसकी अब हम पेस्ट बनाने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और अब हम इसकी पेस्ट बनाने वाले हैं। पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। कढ़ाई गैस पर रखते हैं। अब इसमें तेल डालते हैं। तेल हमें थोड़ा सा ही डालना है। ये तेल गर्म होने तक हमारे ये जो केकड़े हैं उन्हें मसाले में मिक्स कर लेते हैं। चूंकि ये मसाला हमने पहले से ही तेल में अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम केकड़े के ऊपर डालते हैं। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। ये आधे नींबू का रस है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। हमारा तेल तप चुका है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। गैस कम करते हैं क्योंकि अब हमें सारे मसाले तेल में डालने हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हरी मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए। ये लौंग और दालचीनी की पाउडर है, हमने जो एक साथ पीस कर रखी थी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब नमक थोड़ा डालेंगे, नमक स्वादानुसार। जब भी आप कभी केकड़े की करी या मसाला जो भी डिश बनाते हैं तो नमक थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि केकड़े पहले से ही नमकीन होते हैं। मसाला पूरी तरह से भूनकर तैयार है। हमने जो पेस्ट बनाई थी वो केकड़े के साथ मिक्स की थी, वो अब हम कढ़ाई में डालेंगे। केकड़े मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें बिना पानी डाले हमें 2 से 3 मिनट इसे धीमी आंच पर रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब केकड़े चेक करते हैं। पूरा मसाला केकड़ों के साथ मिक्स हो चुका है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 10 से 15 मिनट गैस पर पकाते हैं। चेक करते हैं, पानी हमें बिल्कुल नहीं रखना है इसमें। चलो हम देखते हैं हमारा केकड़ा मसाला तैयार हुआ या नहीं। अच्छे से हो चुका है। अब खूबसूरती से प्लेटिंग करते हैं। धनिया से गार्निश करेंगे, ऊपर से पिसा हुआ कच्चा नारियल डालेंगे। चलिए तो तैयार हो चुका है हमारा केकड़ा मसाला। आप इसे चावल की रोटी या बटर नान के साथ भी खा सकते हैं।